तो गाइस यार आज की जो वीडियो है वो भी कतई जहर होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एक बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट। और गाइस इसके लिए हमने सिंपली हमारे मिनी स्विमिंग पूल को भी भर लिया है। और गाइस इसके साथ साथ हमारे पास है यहाँ पर काफी सारी बर्फ। और गाइस यार इस बर्फ को हम सिंपली इस पानी के अंदर डालेंगे और ये जो पानी है पहले से ही बहुत ठंडा है और इसे हम बर्फ की मदद से और भी ज्यादा ठंडा कर देंगे, बहुत ज्यादा। लौंडो सारी बर्फ पानी के अंदर डालो जल्दी। ऑलराइट गाइस, तो यार अब है एक काफी सिंपल सा सरप्राइज। जी हाँ, तो गाइस यार सरप्राइज ये है कि आज की इस वीडियो के अंदर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे बल्कि हम सब करने वाले हैं आइस बाथ चैलेंज। सरप्राइज लौंडो सरप्राइज। ऑलराइट गाइस, तो यार आइडिया ये है कि हम सभी इसके अंदर जाएंगे और फिर जितनी देर तक हो सके इसके अंदर रुकेंगे। जी हाँ ये। और फिर इसके अंदर से जो भी पहले बाहर निकलेगा वो हारता जाएगा। और भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि आज की इस वीडियो के अंदर सभी को सजा मिलेगी। जी हाँ सभी को, सिवाय विनर को छोड़ के, यानी कि विनर को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लौंडो तैयार हो जाओ, तुम सब आप इधर आओ। ऑलराइट गाइस, तो यार मैंने इस बात चैलेंज के बारे में किसी को भी पहले से नहीं बताया था, साथ ही साथ किसी को भी नहीं पता है कि क्या पनिशमेंट होने वाली है। आपको बताता हूँ, तो देखो ज़्यादा देर तक पानी में रुकना है, जो पहली बारी में बाहर आएगा उसकी पनिशमेंट ये होगी कि उसे नीम का कड़वा कड़वा जूस पीना होगा। जी हाँ, और जो दूसरे नंबर पर आएगा उसे खानी पड़ेगी दुनिया की सबसे तीखी मिर्च वाली झोलो चिप। जी हाँ, और जो तीसरे नंबर पे आएगा उसे उस ग्राउंड के 100 चक्कर लगाने होंगे। जी हाँ, और जो चौथे नंबर पे आएगा उसे पीना पड़ेगा प्योर लेमन का खट्टा खट्टा जूस। जी हाँ, और जो पांचवे नंबर पे बाहर आएगा उसे मुर्गा बनना पड़ेगा ये। और जो लास्ट में आएगा वो विनर होगा, उसे कोई भी सजा नहीं मिलेगी। ऑलराइट गाइस, तो यार चलो फटाफट से अभी चैलेंज को शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो बर्फ है वो आधी से ज्यादा पानी में घुल चुकी है और जो पानी है वो भी ठंडा हो चुका है। तो क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ मेरी। एकदम से कुछ भी बोल दे तो आप तो यार। उसी को तो चैलेंज कहते हैं। ऑलराइट गाइस, सभी लोंडे तैयार हैं और सच बात बोलूं मुझे भी डर लग रहा है। चले फिर चले। ओ एक एक करके भाई बहुत ठंडा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डर के आगे जीते। और भाई बहुत ठंडा है। और अब ध्यान से सुनो, चैलेंज ये है कि ज्यादा से ज्यादा देर तक पानी के अंदर रुक के रखना है। जो जो बाहर निकलता जाएगा वो हारता जाएगा और उसे मिलेगी पनिशमेंट, और जो लास्ट में सबसे देर तक टिका रहेगा वो होगा विनर। एक ही विनर होगा, बाकी सबको सजा मिलेगी। बैठो धीरे धीरे। Oh, baby.
15 minutes later. All right guys, तो सारी बर्फ पानी के अंदर घुल चुकी है, बहुत ठंडा है भाई। ये वाला चैलेंज भारी पड़ सकता है, ठंड का मौसम है, छींक आने लगी उसको। नाक बहना शुरू हो गया, अंदर डुबकी लगा के गलती कर दी। तो हम क्या मजाक कर रहे हैं क्या? पूरी पिघल गई है बर्फ, देखो पूरी पिघल गई है, देखो इतने इतने से टुकड़े बचे बस। मजा आ रहा है, दो तीन मिनट सर घूम रहा है, सुन्न होने लग गए पैर। अभी कुछ नहीं बोल सकता, कैसा लग रहा चैलेंज देख के आपको? कुछ नहीं बोल सकता। मैं क्यूट कर रहा हूँ, क्यूट कर रहा है। ओ यस, हो जा रहा है, लौट जा इधर ही, लौट जा घास में घुस जा। एक बंदा हार चुका है। ज्यादा ठंडा है यार ये, एक तो सर्दी ऊपर से बर्फ। गया एक और, गया। हो गया आपका भी? घास में, घास में शरीर पूरा ठंडा हो रहा है। धूप किधर है? तो गाइस यार, इस चैलेंज को भाई ने जीत लिया है और वो बोट है। अरे तो अब तुम बाहर निकल सकते हो, तुम जीत गए हो, जीत गया। चैलेंज पूरा हो चुका है मिलेगी क्या भाई, बंदा जीत गया यार। अरे तू तो उससे ज्यादा हेल्दी है, तू जल्दी हार गया। इतना ठंडा रहता है। राइट गाइस, बताते इनको
और बताते हैं पनिशमेंट। ये सबसे पहले निकले थे तो तुम्हारी पनिशमेंट ये है, वो अभी तक भी होश में नहीं है, वो दूसरा उनको देखो उनको अरे वो बहुत जोश में धूप चिपके रहे, धूप सेक रहे धूप दीवार के जगह एक गर्मी मिलेगी। ऑलराइट गाइस, तो तुम्हें पीना पड़ेगा नीम का जूस। ऑलराइट गाइस, तो यार ये फर्स्ट लूजर है, इन्हें पीना पड़ेगा नीम का जूस। और दूसरे भाई बॉडीगार्ड, आप हाथ मिलाइए, बताए आपके लिए क्या पनिशमेंट है। तुम्हें खानी पड़ेगी जोलो चेस। इससे अच्छा तो कि ठंड में मर लेता है। अरे नहीं, इनको फायदा है। क्या अभी ठंडा से ही ना जोलो चिप्स खाते हैं, गर्म हो जाएगी। और गाइस उसके बाद मैं आ रहा था। तो टेंशन ना लो, मुझे पीना पड़ेगा खट्टा खट्टा लेमन जूस। ठीक है, और उसके बाद आ रहे थे ये। तो तुम्हें लगाने पड़ेंगे 100 चक्कर इस पूरे ग्राउंड के। 100 चक्कर तुम अभी से शुरू हो जाओ। और उसके बाद आ रहे थे तुम। तुम्हें मुर्गा बनना पड़ेगा। जोलो चिप्स से अच्छा तो मुर्गा बनना है। ऐसा लेकिन, और साथ में ऐसा ही बोलना पड़ेगा, मुर्गी मुर्गी अंडा दे अंडा दे। तू अभी तू मुर्गा बन जा अभी से। और तुम फटाफट से जिसकी जो तू जाके पनिशमेंट ले, सफर नहीं हो रहा है। ऑलराइट गाइस, तीनों बैठते हैं, बैठ जाओ। तो चलो पनिशमेंट को शुरू करते हैं। पहले नीम का जूस। नाक भी पिया पूरा पीना पड़ेगा, 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 पूरा पीना पड़ेगा। ये मुर्गा मुर्गा की पिज्जा। अरे भाई नाग बीच के पिज्जा, नाग बीच के पिज्जा, नाग बीच के पिज्जा, मजा आ रहा है। पिज्जा 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 नाग बीच के पिज्जा, नाग बीच के पिज्जा। अरे थूकना नहीं है, पिज्जा पिज्जा नाग बीच के पिज्जा। ऑलराइट गाइस, तो नीम का जूस तो आई थिंक यार जोलो चिप्स से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। पिज्जा 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 पिज्जा, शाबाश 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 शाबाश। सेहत के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा, सेहत के लिए अच्छा। अरे वो मुर्गा उधर चला गया। अब मेरी बारी। अबे चांद तो देते इसे। प्योर है ना, ये भी सेहत के लिए अच्छा है। सोरेस्ट कैंडी से भी ज्यादा खट्टा, दांत दांत आम गए। ऑलराइट गाइस, तो सभी को अपने अपने मुर्गे बोल। सभी की पनिशमेंट मिल चुकी है इनकी, ये हम सबको देख के सहते, अब इनकी बारी। जोलो चिप, जोलो चिप लो सर। अब जोलो चिप खाई जाएगी। आप ना अपने हाथ से खोल लो, क्योंकि मुझे डर लग रहा है इससे। ये वाला चैलेंज बहुत भारी था यार। ऑलराइट गाइस, जोलो चिप खाजा खाजा खाजा। देख सब सबको अपनी अपनी पनिशमेंट मिली है। मुर्गे बोल, मुर्गे बोल, खाजा 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 खाजा, एक बारी पूरी
आजा। तुमने एक बार भी ट्राई नहीं की थी ना, कैसी है? Alright guys, इसकी हालत खराब हो गई। उधर वो मुर्गे बोल। अरे कितने चक्कर हो गए भाई? 50 हो गए। पानी बस आराम से आराम। ऑलराइट गाइस, तो यार सभी ने अपने अपने जो पनिशमेंट है वो ले ली है। जो जिस तरीके से हारा उसे उसी तरीके से पनिशमेंट मिली। और भाई इसकी हालत ज्यादा खराब हो रही है। और मुर्गा अभी तक बोल रहा है। Alright guys, तो I think इस मुर्गे के लिए इतनी सजा काफी है, क्योंकि पैर कैसे हुए? दुख रहा है। क्योंकि guys, ये लास्ट में एक तरीके से ये भी जीते ही थे यार। तो guys यार, I hope उस बंदे के अभी भी बाकी है। दौड़ो दौड़ो, ए गलत बात। ऑलराइट गाइस, तो यार आई होप ये वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप काफी मजा आया होगा। लेकिन आप ऐसा कुछ भी कहीं पे भी करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। हम मिलते हैं किसी नए चैलेंज के साथ में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। 2000 years later.